गाइस ये बड़ा कमीना येलो येलो लगाऊंगी मैं तुझे और मैं तुझे पिंक की हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग हैप्पी होली टू ऑल जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है मेरी फैमिली में जितने भी लोग शामिल हुए हैं जो मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं मुझे पसंद करते हैं उन सभी को हैप्पी होली वंस अगेन अच्छे से अपनी होली को मनाएं तो आज की जो वीडियो है वो यही होने वाली है आज हम होली इंजॉय करने वाले हैं पहाड़ों में होली के त्यौहार को कैसे मनाते हैं वो आप सभी को आज मैं दिखाने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं अपना जो काम है उसको निपटा लेती हूँ लेकिन होली से पहले दिन की बात करूँ जैसा कि सभी कहते हैं छोटी होली होती है और लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमारे साइड ऐसा नहीं होता हमारे साइड कुछ और ही होता है तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए उसके बाद में आप सभी से मिलूंगी। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और मम्मा के हाथ में क्या होगा आप यही सोच रहे होंगे तो आपको बता दूं ये मोड़ी है तो ये हमारे यहाँ पे रिवाज है पूर्वजों के टाइम से जो है ये चला आ रहा है और हम भी इसको निभा रहे हैं होली से पहले दिन जो दिन होता है यानी कि जो छोटी होली होती है तो उस दिन पे यही हमारा रिवाज रहता है कि बच्चे शाम को आते हैं और हर हर घर में जाते हैं और घर घर में जो है जाकर मोड़ी लेकर आते हैं। गाइस हमारी सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई और मैं यहाँ पे रोटियां बनाना मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले की जो हमारी हम रोटियां बनाते हैं वो जिमी के लिए बनाते हैं तो मैं वापस आप देख रहे होंगे कि मैं वापस गांव आ गई हूँ क्योंकि आज होली है और साथ ही साथ अब कल से फाग मेला शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना गाँव ही जाया जाए क्योंकि शिमला में भी क्या ही करना था ना ऐसे फेस्टिवल जब होते हैं तो गाँव में मजा आता है बहुत ज्यादा। तो आज मेरी ड्यूटी ब्रेकफास्ट बनाने में लगी हुई है तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सब्जी मैंने तैयार कर ली है और अब चपातियाँ बना रही हूँ तो फटाफट से अपना काम मैं फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई सीरियसली मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई और जो हालत होती है ना मैं तो बोलूँ रामपुर अगर मेन रामपुर की मैं बात करूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल है आप तो शॉर्ट्स में घूम लो वहाँ पे दिन के टाइम अब रात को भी जैसे लगातार अब गर्मी हो रही है ना तो लगातार गर्मी होने की वजह से जो है ना और ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है मतलब सुबह और शाम की मैं बात कर रहा हूँ सुबह शाम भी बहुत गर्मी हो रही है तो वैसे तो गांव में तो हमारे को थोड़ी राहत ही है लेकिन दिन के टाइम तो भाई बाहर तो निकल ही नहीं सकते बहुत गर्मी होती है। तो चलिए मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ क्योंकि मेरी गप्पे तो खत्म नहीं होने वाली मेरी बातें तो खत्म नहीं होने वाली तो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। मॉम डैड पहुँच गए हैं खेत से घर और आपको पता ही है ना मैं और मेरी फैमिली हम लोग तो चाय लवर है दिन में 10 बार भी चाय पीनी पड़ी ना तब भी हम लोग कुछ ही खुशी पी लेते हैं और मम्मा तो बहाना करके जो बनवाते हैं चाय ना तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ चाय पियेंगे और इंजॉय करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम होली खेलने के लिए जाएंगे। आपको बता दूं कि तो पूरे गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो निकल गए वहां से भूत जैसे बने और मेरा भी भूत ही बनने वाला है थोड़ी देर में तो आप सभी से मिलूंगी थोड़ी देर में। हैप्पी होली गाइस
तब हम सबसे पहले अपने परिवार में जो एक दूसरे को होली लगाएंगे और सबसे पहले जो हमारी फैमिली के बड़े मेंबर है उनको हम होली लगाएंगे। तो चलिए दादू को होली लगाते हैं। दादू हैप्पी होली। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ही दादू को लगाऊंगी होली। मुझे अच्छे से लगाओ। नहीं यार ज्यादा नहीं लगाएंगे। पता है मेरे को। नमस्ते। आयुष्मान आयुष्मान। पैसे लो दादा से। रुपए हम भी देंगे। वो देंगे। पैसे क्यों बजाना? हम नहीं लगाते आयुष्मान। और हमारे आज कैमरामैन बने हुए हैं भैया। भैया को हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। मम्मा को भी लगाएंगे हम। मॉमी हैप्पी होली। धन्यवाद। ये पापा के मामा जी आए हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली मामा जी। येलो येलो लगाऊंगी मैं तुझे और मैं तुझे पिंकी पिंकी। हाय बल्लू पापा। हैप्पी होली। बस पहले से देख रहा हूं भाई बाहर ही निकल रहे क्या। हैप्पी होली। बोले नंद दादू लग गया। हैप्पी होली। हैप्पी होली भाभी जी। हैप्पी होली। ये है हमारे चाचू। हैप्पी होली। बाजी है ये हमारे बलदेव जी। हैप्पी होली। हैप्पी होली मुबारक हो जी। होली मुबारक। हैप्पी होली। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी होली खुशी। धन्यवाद। देखो हम जिमी को यहाँ पे होली लगाएंगे। हैप्पी होली जिमी। खाना नहीं है बेबी। बेबू को हमने होली 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 हैप्पी होली हैप्पी होली मेरा भुदू। लगाओ यार बाबू लगाओ 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 यहाँ देखो फोटो मेरी सामू हमारी। बेटा रब करो हाथों में रब करो फिर लगाओ। ये हमारी माता जी है इनको खूब होली लगाई जा रही है और हमारे नाना जी है इनको खूब होली लगाई जा रही है। ये नाना दादा फैमिली होली लगा रहे हैं। हैप्पी होली बेटा आपको। नमस्ते। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से होली मनाई जा रही। होली में ऐसा लग रहा है हम लोग पूरे कलर में धुल गए। अंदर अंदर भी कलर डाले पिंक कलर पूरे हाल हो गए। तो देखिए हम ऐसे एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते हैं आपको भी दिखाते हैं और ज्यादा एंजॉय करेंगे। पीठ में भी डालो ना पीठ। Minutes later.
नहा गई हूँ और फ्रेश फ्रेश मुझे लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आप सब देख सकते हो कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा आपको याद आ रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। तो अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको दिखा देती हूँ, मैं हूँ मम्मी के साथ, हम लोग किचन में हैं और यहाँ पे हम कुछ बनाने वाले हैं ना मम्मा। हाँ। क्या बनाने वाले हम लोग? हम आज बनाएंगे पकौड़े। तो आज मम्मा बनाने वाले हैं पकौड़े। यस, पापा की फरमाइश, क्योंकि पापा को बहुत ज्यादा पसंद है पकौड़े ना। तो अब मम्मा पकौड़े बनाएंगे और मैं मम्मा को यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि अब मम्मा कैसे पकौड़े बना रहे हैं ना। ये हमारे आलू, इसमें और हम क्या ऐड कर रहे हैं मम्मा? इसमें हम, ये क्या है ग्रीन ग्रीन? ये है पालक। तो मम्मा ने इसमें आलू डाल दिए और पालक डाल दिया है, क्योंकि जब आप पालक ऐड करते हो ना बहुत टेस्टी बनते हैं पकौड़े। और बार हम और भी ऐड करते हैं, जैसे फूलगोभी या फिर अनियन हो गया, या फिर कोई और जैसे होता नहीं है बैंगन हो गया, तो उस तरह के हम बनाते हैं। बट आज हमने ऐसी वाले पकौड़े खाने, मतलब सिंपल वाले। अब मम्मा ने बेसन डाल दिया और अब मम्मा इसमें स्पाइसेस डालेंगे, इसमें सॉल्ट, नमक ज्यादा, हल्दी, मिर्चे, अजवाइन, जीरा, अच्छा मिक्स कुछ मसाला, कौन सा मसाला है? मिक्स मसाला। ओके, गरम मसाला। ये बन रहे हैं मम्मा के हाथ के टेस्टी टेस्टी पकौड़े। यार इनको बनता हुआ देख के ना मुझे मुंह में पानी आ रहा है। मम्मा बहुत टेस्टी पकौड़े बनाते हैं। हाय मॉमी। सबसे पहले आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये बने कैसे हैं। इतने डिलीशियस है ना, मेरा कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा बस मैं खाती जाऊं। तो मैं अपने पकौड़े इंजॉय कर लेती हूँ, आप सभी भी अपने घर पर बनाइए और इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई नए व्यूअर्स हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो जरूर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी आप सभी तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी।
और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही साथ आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि आपने होली में क्या क्या अनोखा किया है, यानी कि क्या क्या डिफरेंट किया है। और मैं अपने जो है पकौड़े इंजॉय कर लेती हूँ, तो आप सभी भी अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।